Welcome to math classes. Now the next topic is irrational number. अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि irrational number किसे कहते हैं. A number s is called irrational if it cannot be written in the form of p by q, where p and q are integers and q is never equal to zero. कोई संख्या s इरेशनल होगी अगर उसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है जहां क्यू शून्य के बराबर ना हो. सो एग्जाम्पल रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, पाई एंड लाइक दैट, पॉइंट जीरो पॉइंट वन जीरो, डबल वन जीरो, ट्रिपल वन जीरो, फोर वन जीरो एंड सो ऑन. अगर ऐसी संख्याएं हैं देन दीज नंबर आर कॉल्ड इरेशनल. अब फिर हम और सारा चीज देखते हैं. इस पर क्या है, एवरी रियल नंबर. मैंने पहले ही बताया था कि रियल नंबर कैसे कहते हैं, अ सेट ऑफ सेट ऑफ रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर. सो एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. सभी रियल नंबर्स पे आने वाले जितने भी नंबर हैं उनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है, चाहे वो इरेशनल नंबर हो चाहे वो रैशनल नंबर हो, सभी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है नंबर लाइन पर. ठीक है, जैसे ये नंबर लाइन है तो इस नंबर लाइन पर आप इसको दिखा सकते हैं. किसको, रैशनल नंबर को भी इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इरेशनल पर. मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपसे इसकी शेयर किया था मैंने. अ नंबर विच कैन बी नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर ए रिपीटिंग डेसिमल. एक नंबर विच कैन बी नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग, जिसको टर्मिनेटिंग के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में नहीं, दैट इज नोन एज द इरेशनल. सो इजिली आइडेंटिफाई करने के लिए हम इस ग्राफ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं. इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेटिंग नहीं होगा. टर्मिनेटिंग मतलब, और द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, मैंने पीछे के क्लास में बताया था आपको कि जिसका डिनोमिनेटर मतलब q का वैल्यू 2 5 2 इंटू 5 2 टू द पावर m, 5 टू द पावर n, 2 टू द पावर 5 m इंटू 5 टू द पावर n, अगर इसके फॉर्म में नहीं हो देन इट इज बी इरेशनल. अगर नीचे यह सब संख्या इस तरह की नहीं लिखी हो तो वह इरेशनल है. नॉर एज रिपीटिंग डेसिमल, इस तरह की नहीं होनी चाहिए. ये रिपीट हो रहा है 666, 25 25 25 रिपीट हो रहा है, 393 393 393 ये रिपीट हो रहा है. द नंबर इज नॉट इन दैट टाइप, इस तरह की संख्याएं इस तरह के फॉर्म में नहीं हो, अगर नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे, इरेशनल. तो कैसी नंबर इरेशनल होंगी, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, दैट टाइप ऑफ द नंबर, ये क्या होंगी, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो क्या हो, क्या बन जाएगा, इरेशनल. किसमें, जब वो रूट के अंदर हो उसका पूरा पूरा रूट नहीं निकाला जा सकता है, या संख्या ऐसी लिखी हो 10.10, डबल वन जीरो, ट्रिपल वन जीरो, 0.02, डबल जीरो टू, ट्रिपल जीरो टू, 402 और 0.12, डबल वन टू, ट्रिपल वन टू, 41 एंड सो ऑन. अगर ऐसी संख्याएं रिपीटिंग फॉर्म में लिखी जा रही हैं तो क्या कहलाएगा, वो इरेशनल. तो इनमें से कोई भी ग्रुप पकड़ा जाए तो वह इरेशनल नंबर होगा. सो रिमेंबर वन थिंग, पाई इज ए नंबर हुज एग्जैक्ट वैल्यू इज 22/7. पाई एक संख्या है, पाई का जो वैल्यू कैलकुलेट किया गया 22/7, बट पाई इज इरेशनल. पाई इरेशनल है बट 22/7 इज ए रैशनल नंबर. ओके, थैंक यू.